अंडे की क्वालिटी खराब है, अंडा बहुत छोटा बनता है, बहुत बड़े साइज का बनता है, बहुत सारे अंडे बन जाते हैं, ओव्यूलेशन के लक्षण नज़र नहीं आते हैं, कब ओव्यूलेशन होता है हमें पता ही नहीं चलता, हमारे पीरियड्स सही समय पर नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। यदि ये सारी समस्याएं आपके साथ भी हो रही हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने आप लोगों से एक होम रेमेडी, एक टिप शेयर करी है जिसे यूज़ करने से आपके हार्मोन बैलेंस हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली प्रेगनेंसी हो जाएगी। जो महिलाएं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जब हमारा अंडा सही समय पर नहीं फूटता है, अंडा बहुत बड़े साइज़ का बनता है या बहुत छोटे साइज़ का बनता है, या बहुत सारे अंडे एक साथ बन जाते हैं, इमेच्योर अंडे बन जाते हैं, फूटते नहीं हैं, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की कंडीशन है, हार्मोन ठीक नहीं होते हैं, और जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं, रिपोर्ट्स कराते हैं, वो सब नॉर्मल आते हैं और आपको ये लगता है कि सारे रिपोर्ट नॉर्मल हैं, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बताने वाली हूँ कुछ लड्डुओं के बारे में। ये लड्डू खाने से, अब लड्डू का बात सुनते ही मन में आता है ना कि मीठे होंगे, और मीठे लड्डू हैं तो कैसे चलेगा, मीठे लड्डू तो नहीं खाने चाहिए। क्या आपने कभी सीड साइकिलिंग के बारे में सुना है? सीड साइकिलिंग, बीज, जो बीज होते हैं इनके थ्रू आपके हार्मोन को बैलेंस किया जाता है और आपको माँ बनने में हेल्प मिलती है। अब आपने बार बार सुना होगा कि अंडा नहीं बन रहा, हार्मोन ठीक नहीं है, अंडा बड़ा बन रहा है, हार्मोन ठीक नहीं है, पीसीओडी है तो हार्मोन ठीक नहीं है। तो हार्मोन ठीक नहीं है, लेकिन ठीक करें तो करें कैसे? ये लड्डू आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करते हैं। मेरी बात आपको ध्यान से सुननी है। ये लड्डू आप अपने पीरियड के पहले दिन से लेकर के 14th डे, आपके साइकिल के 14वें दिन तक आपको इन लड्डुओं का सेवन करना है। 14th डे के बाद फुल स्टॉप, आपको नहीं खाने हैं। पीरियड का पहला दिन से लेकर 14th डे, जब आपका ओव्यूलेशन होता है, उस दिन तक आपको इनका सेवन करना है। उसके बाद इन्हें खाना बंद कर देना है, फिर अगले साइकिल में इसकी शुरुआत करनी है। ऐसे ही जब आप करेंगे धीरे धीरे तो आपके हार्मोन बैलेंस हो जाएंगे। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपकी थाइज पर बहुत सारा फैट डिपॉजिट हो चुका है, हिप पर बहुत ज़्यादा फैट आ गया है? ये आपके ईस्ट्रोजन की बॉडी में मात्रा बढ़ने से हुआ है। जब आप इन लड्डुओं का सेवन करेंगे तो ये फैट धीरे धीरे कम हो आपसे बोला जाएगा। जाता है कि आपका अंडा सही साइज़ का नहीं बन रहा है तो आपको पम्पकिन सीड्स खाने चाहिए। पम्पकिन सीड्स खाने से आपका अंडा अच्छी क्वालिटी का बनने लगेगा, सही साइज़ का बनने लगेगा। आपकी थाइस पे, हिप पर बहुत सारा फैट डिपॉजिट हो गया है, तब आपसे कहा जाता है कि आपको फ्लैक्स सीड्स का सेवन करना चाहिए। फ्लैक्स सीड्स का सेवन करने से आपका ईस्ट्रोजन बैलेंस हो जाएगा और जो थाइस पर और हिप पर फैट है ये आगे नहीं बढ़ेगा, और जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, तब ये फैट धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो आपको कहा जाता है कि फ्लैक्स सीड्स का सेवन करें, हार्मोन बैलेंस हो जाएंगे। पम्पकिन सीड्स का सेवन करें, आपका अंडा अच्छी क्वालिटी का बनने लगेगा। खजूर का सेवन करना चाहिए, खजूर आपको प्रेग्नेंट होने में मदद करते हैं, इनमें आयरन होता है तो खजूर का सेवन करना ही चाहिए। तो क्या करें ऐसा कि पम्पकिन सीड और फ्लैक्स सीड साथ में खाए जा सकें और साथ में खजूर भी खाई जा सके और मीठा ना जी हो? होती है इसमें नेचुरल स्वीटनर होता है, तो आप ऐसे करें, एक क्वांटिटी में खजूर लें, पम्पकिन सीड्स लें और फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज लें, और उनको अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में पीस लें। और जैसे ही आप पीसेंगे तो एक ऐसी कंसिस्टेंसी बन जाएगी जो बहुत चिपचिपी सी होगी। आप उनके लड्डू बनाएं और हर दिन मॉर्निंग में एक लड्डू का सेवन करें। आपके हॉर्मोन भी बैलेंस होंगे, आपका अंडा अच्छी क्वालिटी का बनेगा, सही समय पर फूटेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होगा, बहुत सारे इमेच्योर अंडे नहीं बनेंगे, ओव्यूलेशन सही होगा तो पीसीओडी की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो ये लड्डू खाने से आपके फॉलिकुलर फेज के दौरान, जिस दौरान आपके पीरियड्स आते हैं, अंडा बनता है, अंडा फूटता है, ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। तो केवल एक लड्डू आपकी सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है, तो क्यों ना इस लड्डू का सेवन किया जाए, जिसमें आपको पम्पकिन सीड्स चाहिए, फ्लैक्स सीड्स चाहिए और आपको खजूर चाहिए। मीठा आप ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसका सेवन करने से आपका ओव्यूलेशन सही समय पर होना शुरू हो जाएगा,
हार्मोन बैलेंस होंगे, तो ये एक रेमेडी है जो कि आपके हार्मोन को बैलेंस करती है। तो यदि आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं और कारण आप नहीं जानती हैं क्या कारण है, तो इन लड्डू का सेवन करना शुरू करें आज ही से और जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएं। उम्मीद है ये दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है। यदि वीडियो हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।